बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने ज़माने में। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके आई, ये शुगर के मरीज़ों के लिए और मोटापे के लिए और जिनका हाजमा ख़राब रहता है उनके लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त पक्की चूरन है, ये इतना टेस्टी भी इतना है और ये इसके फ़ायदे इतने हैं। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ये मैंने आधा ये नींबू पानी मैंने बनाया है, ये गर्म पानी में आपने नींबू डालना है नीम गर्म पानी में। और ये है कलवंजी में, मैंने एक पाव कलवंजी है, आधा किलो मैंने इसमें नींबू डाल के इसके खुश कर लिया। और ये मेथे हैं आधा पाव, काली मिर्च है आधा पाव, सौंफ है आधा पाव और ज़ीरा है आधा पाव। ठीक है, ये पांच चीज़ें हैं। इसमें मैंने नमक नहीं डाला इसलिए कि इसके साथ ब्लड प्रेशर भी हाई ना हो और मोटापे को भी कोई ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़े, क्योंकि नमक जो है ये भी मोटापा करता है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला। अगर आपने ऐसे ही हाजमे के लिए बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लेना। अगर आपने मोटापे के लिए बनाई है या आप शुगर के मरीज़ हैं तो बेशक आप नमक ना डालें। ये इसका ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना है। ये मैं कलवंजी पीस रही हूँ और अब मैंने ये मेथे शुरू किए हैं जो अचार में डलते हैं, ये वो वाले मेथे हैं। ये मेथे मैंने पीस लिए हैं, बहुत जल्दी ये पीस भी बहुत जल्दी जाते हैं। आपने इसको धूप में रखे अच्छी तरह खुश कर लेना तो ये बहुत अच्छा इसका पाउडर बन जाता है। और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त और अजमुद्दा चीज़ दी है। मैंने एक माह में 10-10 किलो अपना वज़न ये लूज़ किया है, ये इसके साथ ये इतनी ज़बरदस्त पकी है। अब मैंने फिर ये शुरू की है, ये शुगर के लिए और अपने बहुओं और बेटियों के लिए मैंने ये तैयार की है। मैंने तकरीबन ये एक किलो पकी बन गई है, ये एक किलो मैंने पकी तैयार की है और ये काफ़ी टाइम आपका गुजर जाएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं। अब सारी चीज़ें मैं मिक्स करके इसको डब्बों में डाल लूँगी और अलहदा लहदा सबको मैं दे दूँगी। और इसके बाद आपने ये नीम गर्म पानी नींबू डाल के लाजमी पीना है, इसके साथ आपको बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। अगर आप नहीं पी सकते तो तब भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा, बेशक आप पतली सी चाय बना के पी लें इसके साथ, क्योंकि गर्म चीज़ पीने से ये होता है कि फ़ौरन चीज़ असर करती है। और ये कोई मेडिसन नहीं जो कि किसी को रिएक्शन कर दे, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं मैदे के लिए, इंसान के सारे जिस्म के लिए, इवन के आपके जिगर पर चर्बी है, बहुत ज़्यादा फैट्स है आपके जिस्म में, तो ये बहुत जल्दी गर्म करेगी आपको, बल्कि आपको महसूस होगा। आपने आधी चम्मच खानी, आधी चम्मच से आपने शुरू करना है, ये आधा टीस्पून आपको पता चलेगा। अगर आपके जिस्म में दर्द है, थकावट है, तो आपने आधा चम्मच ये फक्की के लेना है तो, और ऊपर से चाय पी लेनी या आपने नींबू वाला पानी पी लेना गर्म। यकीन करें आपके जिस्म की दर्द यूँ गायब हो जाएगी जैसे आपने कोई पैनाडोल की गोली खा ली हो। मैंने ये चीज़ में बहुत मुद्दा है, ये मैं तकरीबन 25 साल पहले ये मैं यूज़ करती रही हूँ और ये बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। और अब मैंने अपनी बहू बेटियों के लिए ये बनाई है और इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाई है कि मैं ताकि सबको दे दूँ। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें और जब बेल आइकन का बटन दबाएं तो ऑल का ऑप्शन आए तो उसे ज़रूर प्रेस किया करें और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको हर तरह की रेसिपी पूरी समझ आए और आप परफेक्ट रेसिपी बना सकें। और ये मैंने सोचा कि मैंने बनाई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये तो इंशाल्लाह ताला मैंने जब मेरा पार्लर था तो मैं जो ज़्यादा जिनके जिस्म ज़्यादा थे तो मैंने उनको एक दो महीना ये मैं फक्की इस्तेमाल करवाती थी। यकीन करें उन अच्छी भली जिस्म की शेप जो है इसकी नज़र आने लग जाती थी इस फक्की की वजह से। और अब मैं आपको और तो कुछ नहीं कह सकती, मैं बार बार आपको यही गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप करें तो मेरा बेशक चैनल अनसब्सक्राइब कर दें और जो बेशक गलत कमेंट्स कर दें इसके ऊपर। अगर आपको ये फ़र्क ना पड़े तो बेशक आप जो मर्ज़ी कमेंट्स कर सकती हैं, क्योंकि ये मैंने अजमुदा इसलिए मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। मुझे फ़ायदा इतना हुआ है और इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी ये फ़ायदा हो, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर की है। आप इसे ज़रूर आज़माएँ, इजी चीज़ें हैं और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बस आपने आधा किलो नींबू है जो वो आपने एक पाव कलवंजी के ऊपर डाल के उसे खुश्क कर लेना, पंखे के नीचे चाहे खुश्क कर लें चाहे धूप में कर लें। बकाया चीज़ें आपने वैसे ही साफ़ करके पीस लेनी है। तो ये एक कप आप कर में पानी का दो टाइम आप खाएं, सुबह शाम खाएं, जिस टाइम आपको सूट करती है दोपहर को खाएं, दो टाइम खानी है। और आपने गर्म पानी का एक कप लेना है, नीम गर्म पानी का, ज़्यादा गर्म पीने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो इंशाल्लाह अब ये पक्की आपको बहुत जल्द असर करेगी। और आप प्लीज़ मेरा हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ।